जानता है विनोद, हमको ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सबसे अच्छा वो डिफिनीशन वाला क्वेश्चन सब लगता है। डिफिनीशन वा बुलाता बहुत ना भैया, तो कैसे करके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रटे जा रहे हैं। अब का करे जो है मीडियोकर स्टूडेंट है, तो कैसे वो मैनेज कर रहे हैं पढ़ाई कर करके भीड़ में रहने के लिए। Inflammation is a protective response which is intended to eliminate. The mechanism is still not known, sir. देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। जिंदगी ऐसी झंड हुई कि सपने में एक्सटर्नल बनराकस बनकर आता है। आइए आगे देखते हैं। बेचारा हगना भूल जाए आदमी, लेकिन पढ़ना ना भूले। लगता नहीं है तुम पढ़ के आए हो। पढ़ के ना राहत भरम पर, फिर एक चुटिया सा पेशेंट आएगा, वो बोलेगा करके, डॉक्टर साहब MBBS ही है लगता है खाली, कोई स्पेशलाइजेशन है। तुम्हारा हो गया ना वैवा, जाइए तब अपना जा करके गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती करिए, मेरा कल है वाइवा बचा हुआ। हो गया भाई, कितना पड़ेगा, वाइवा तो हो ही जाता है। चल 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 ना। तुमको पता है मेरे साथ पिछले वाइवा में क्या हुआ है? साला फार्मा का वाइवा देने के लिए गए थे, शर्म से पूछे, एक आदमी बहुत तेज बुखार से लिए हुए तपता हुआ तुम्हारे पास आया, तुम क्या करोगे? सर डोलो 650 देंगे जो सब करते हैं। अरे अरे अरे, फिर तुम्हें और कंपाउंडर में क्या डिफरेंस रह जाएगा? सर कंपाउंडर को मेरी तरह आपके सामने बैठ के वाइवा नहीं देना पड़ता है सर, यही डिफरेंस रह जाएगा। फिर हम सोचे कि क्या बोले, पैरासीटामोल बोले, कन्विंस नहीं हुए। सर एसिटामिनोफेन कन्विंस हुए, फिर कहते हैं अरे तो कंपाउंडर ही बता देगा। कंपाउंडर ही बता देगा, कैसे बता देगा कंपाउंडर? आपके कंपाउंडर MBBS करता है क्या? दिमाग खराब करके रख दिया। उसका बोला अगर तुमको पास करना है तो तुमको जवाब देना पड़ेगा। हम सोचे हाँ पास करने तो आए सर, पूछे क्या पूछिएगा। तो बोले कि बताओ कि डोज कितना होता है। डोज तो पता था 15 mg पर kg पर डोज देते हैं। बोलने लग गए कि जवाब तो तुम्हारा जूनियर भी दे देगा। अरे जूनियर दे देगा, कंपाउंडर दे देगा, सब तो जवाब दे देगा। तो हमारा वाइवा आप ले काहे के ले रहे हैं सर? अपना कुरकुरे खाइए, समोसा दबाइए, चाय पीजिए, शुरू के निकलिए यहाँ से। उसके बाद कहने लग गए कि चलो ठीक है, डोज तो तुम बता दिए, अब बताओ कि टॉक्सिक डोज कितना होगा। टॉक्सिक डोज कितना होगा? टॉक्सिक, अरे 15 mg पर kg पर डोज से ज्यादा तो टॉक्सिक हो जाएगा, इसमें क्या है? नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी टॉक्सिक हो जाएगा। अब बताओ कि अगर टॉक्सिक डोज दे दिए तब कैसे मैनेज करेंगे? अरे टॉक्सिक डोज क्यों देंगे मेरे बाप, क्यों देंगे टॉक्सिक डोज हमको, जब एग्जैक्ट डोज पता है तो आप हमसे पहले ही जब पूछ ले एग्जैक्ट डोज, हम टॉक्सिक डोज क्यों देंगे? चलो ठीक है। फिर याद करके बताए कि N-acetyl-cysteine देंगे सर। अरे यार ये भी बता दिया। उसके बाद बोलते हैं N-acetyl-cysteine, अगर N-acetyl-cysteine का टॉक्सिक डोज हो गया तब क्या देंगे? भाई सही बता रहे, मन किया ना जा करके अपना माथा पटक के वहीं पे फोड़ ले, दिमाग खराब है, क्या जिंदगी जी रहा है भाई। इतना बेइज्जत होने के बाद हमसे कहते हैं लगता नहीं है तुम पढ़ के आए हो। पढ़ के ना राहत भरम पर रहे थे सर, हिल हिल करके, आपको देखने आए थे हम कितना पढ़े हैं, हिल हिल करके सारा डिफिनेशन, सारा 10 में से 9 चैप्टर हम अच्छे से पढ़ गए, 10वां चैप्टर नहीं पढ़ पाए। सोचे अरे इससे से पूछेंगे, मेरे से पहले 9 बच्चा गया, 9 के 9 से पहला 9 चैप्टर से पूछा, और हम जैसे ही गए हमसे पहला ही क्वेश्चन उसी 10वां चैप्टर से पूछे जो हम नहीं पढ़ के गए थे। मेरा किस्मत गधा के लिंग से लिखा हुआ, तो भाई मेरा गलती है क्या बताओ है? हमको जज कर ली उसी के बेसिस पे, कहते नहीं 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 पढ़ के तो नहीं आया, पढ़ के तो नहीं आया। अरे यार एक चूतिया इंसान कभी कहा था एक बार, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड माय फ्यूचर, वही चूतिया ये क्यों नहीं कहा कि सिंगल वाइवा इन फ्रंट ऑफ एक्सटर्नल कैन डिसाइड योर फ्यूचर? क्योंकि अगर एक्सटर्नल फेल कर देता है तो मतलब तुम्हारा ईयर बैक लगना फिक्स है। साले नॉन मेडिकल सबका तो और हद है, जब देखो तब MBBS का डिग्री मिल जाएगा, नाम क्या के डॉक्टर लग ही जाएगा तुम्हारे, पैसा तो बहुत सारा कमा ही लोगे, तब काहे वैसा विलाप करते रहते हो, काहे वैसा विलाप करते रहते हो? अबे तुमको नहीं पता कितना घिसना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए? तुमको बताया मेरा एक दोस्त था समझे, हैं फर्स्ट ईयर में नया नया स्कूटी लिया था, बेचारा ड्राइव पे जा रहा था अकेले, 40 की स्पीड में धीरे धीरे चला रहा था, पीछे से आया कोई बुलेरो वाला धक्का मार दिया, गिर गया। गिरने का पता है एक बूंद खून नहीं निकला, लेकिन भाई कंधा जो है कबर गया, हाथ निकल के अस्तावर लूला टाइप ऐसे लटक गया पूरा बेचारे का। जैसे तैसे बांध बांध के प्लास्टर वास्टर करा के ऐसे करते हुए पहुंचा ऑफिस में, डिपार्टमेंट में जाके एप्लीकेशन, सर छुट्टी चाहिए, ऊपर से नीचे तक सर देखे, छुट्टी किस बात का छुट्टी चाहिए, किस बात का छुट्टी चाहिए सर, कंधा कबड़ के निकल गया है, हगेगा तो धोएगा कैसे, घर जाएगा तो घर पे कमोड वाला लैट्रिन है, वहां बैठेगा पीछे से पिचकारी लेगा, बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए घर जाना चाहता है, हगने में दिक्कत ना हो, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा आपको इतना बेसिक सा बात। पता उसको सर क्या बोले, सब लोग तुमको जैसे हगना हगो, चाहे तुम जब तक जिंदा हो आकर दे क्लास करो, यहाँ पे हमको से मतलब नहीं, वरतवार हम सेंटअप रोक देंगे। वाह 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 वाह, सेंटअप रोक देंगे मतलब बच्चा जिंदा रहे बस उतना ही काफी है इनके लिए। बेचारा हगना भूल जाए आदमी, लेकिन पढ़ना ना भूले, एग्जाम देना ना भूले, एग्जाम का डेट, सेंटअप का टेंशन, हर चीज का टेंशन हम ही ले।
और उसके बाद फिर लोग बोलते हैं पैसा काहे इतने कमाते हो, फी इतनी काहे रखते हो। अबे 5.5 साल का कोर्स है भाई, 5.5 साल तक घिसते रहो तदा के नाम के आगे MBBS लगता है। फिर एक चुटिया सा पेशेंट आएगा, वो बोलेगा करके डॉक्टर साहब MBBS ही है लगता है खाली, कोई स्पेशलाइजेशन ही, अगर स्पेशलाइजेशन घिस के 3 साल और तैयारी करो, फिर 3 साल का स्पेशलाइजेशन कर लो घिस करके। उसके बाद बोलेंगे डॉक्टर साहब खाली स्पेशलाइज्ड है, सुपर स्पेशलाइजेशन तो है ही नहीं, सुपर स्पेशलाइजेशन। अरे भाई घिस के सुपर स्पेशलाइजेशन कर लिए, 2.5 साल 3 साल उसमें लगा दिए तैयारी में, 3 साल में तब तक क्या हुआ, ना माथा पे बाल बचा, ना अंदर हमारे कुछ पैशन बचा जिंदा रहने के लिए, बस खाली अब काम किए जाओ। उसके बाद अगर 200 रुपया फी मांग ले तो कहेंगे डॉक्टर साहब फी बहुत ज्यादा है आपकी।